हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस मिनी कैमरा के बारे में। ये जो कैमरा है दोस्तों, एक कमाल का कैमरा है। इसे चलाने के लिए ना ही तो आपको ज़रूरत है किसी वाईफाई कनेक्शन की या किसी 4G सिम की। ये प्लग एंड प्ले कैमरा है। इसे खाली आपको प्लग करना है, बट स्विच ऑन करना है और ये कैमरा चल पड़ता है। तो आज हम जानेंगे इस कैमरे के बारे में, इसे ऑन ऑफ कैसे करना है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे देखना है। तो आज हम जानेंगे इस कैमरे के बारे में दोस्तों, ढेर सारी बातें हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जी आई में। तो बेसिकली ये है हमारा कैमरा बॉक्स और ये हमारा कैमरा दोस्तों। ये जो चार्जर है, ये सिर्फ दिखने वाला चार्जर नहीं है, ये आपका फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लेता है। इसका मैं लाइव डेमो भी आपको दे दूँगा और इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट वगैरह कहाँ है ये भी हम आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑटो फोकस ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा कि ये फ्लिप वगैरह कैसे ओपन करना है और इसमें कैसे मेमोरी कार्ड वगैरह इंसर्ट करना है। तो ये फ्लिप यहाँ से ऐसा ओपन हो जाता है, यस। और यहाँ पे हमें कुछ पोर्ट्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा और उस पोर्ट का क्या काम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, ये जो आप पोर्ट देख रहे हो, इससे ये फ़ोन चार्ज कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप USB केबल वगैरह लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेशन लाइट के लिए ये जगह दी गई है और इसके बाद ये आता है हमारा कैमरा, ये ऑन ऑफ के लिए स्विच और ये यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाता है। दोस्तों विदाउट मेमोरी कार्ड इंसर्ट करे ये ऑन नहीं हो जाता। और जैसे कि आपने देखा, जैसे ही आप ये प्लेट लगा देते हो, ये पूरा ढक जाता है, कवर हो जाता है। जैसे ही आप ये फ्लिप लगा देते हो तो जो अंदर मेमोरी कार्ड और जो कैमरा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और इसके बाद यहाँ पे हमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि इसे ऑन ऑफ़ कैसे करना है। तो सिंपल है दोस्तों, जैसे आप इसे प्लग करते हो वैसे आपको जो स्विच है वो ऑन करना है और ये ऑन हो जाता है। बट इसके लिए कुछ इंडिकेशन लाइट्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, वैसे ही यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगी। रेड कलर की लाइट है, वो 3 बार ब्लिंक होके बंद हो जाएगी, मतलब ये अभी रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ये दोस्तों लाइट बंद हो जाती है, मतलब ये रिकॉर्ड करना चालू कर देता है और ये रिकॉर्डिंग के टाइम कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं दिखाता। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये सच में फ़ोन चार्ज कर सकता है या ये सिर्फ एक कैमरे का ही काम करता है। मैं इसे लगा देता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है उससे, और डेमो भी मिल जाएगा हमें कि ये चार्ज भी कर सकता है या नहीं। यस दोस्तों, होता है चार्ज, बट एक चीज़ है कि ये फास्ट चार्जर नहीं है। यस देखो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चार्जिंग से तो कनेक्ट हो गया है, मतलब ये चार्ज तो करता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्लैरिटी वगैरह कैसी है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो फुटेज है ये इसी कैमरे से मैंने रिकॉर्ड की हुई है। वैसे क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी अच्छी है, इसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाता है। बट आप बस आपको इतना ही करना है, जो जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है वैसे खाली आपको इसका मेमोरी कार्ड निकालना है और ये जो मेमोरी कार्ड है वो आपके फ़ोन या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। जैसे आप इसे कनेक्ट कर देते हो, ये आपको एक फ़ाइल दिखाई देगा और ये आपको सिंपली प्ले करनी है और ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा देगा। बहुत आसान है दोस्तों इसे एक्सेस वगैरह करना, कोई वाईफाई से कनेक्ट करने की झंझट नहीं है, ना ही तो चाहिए आपको इंटरनेट वगैरह। सिंपली आपको इसे प्लग करना है और ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो ये यूज़ करने के लिए बहुत आसान है दोस्तों। इसे आसानी से कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसी के साथ ही दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इसकी जो वीडियो क्लैरिटी वो आपको कैसी लगी। दोस्तों क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा कैमरा देखा है? अगर देखा है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं देखा है तब भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप भी वो मुझे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दी है, वहाँ पर आप जाके मुझे DM कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।